निमाड़ क्षेत्र के बड़वाह शहर में विगत दिनों से लॉकडाउन के तहत पूरी तरह से बंद होने के साथ यहां प्रशासन भी सक्रिय नजर आ रहा है, लेकिन 2 से 3 दिन पूर्व जो शहर में कुछ दुकानें संचालित हुई थी, इस बीच सोमवार को ईद का त्यौहार भी मनाया गया, जिसके बाद अचानक एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से शहर में हड़कंप मच गया। खरगोन जिले के बड़वाह स्थित वार्ड क्रमांक 17 की एक रहवासी महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से स्थानीय प्रशासन एक बार फिर चौकन्ना हो गया है। आपको बता दें कि उक्त महिला की तबीयत बिगड़ने से महिला को रविवार रात्रि शासकीय अस्पताल बड़वाह में उपचार के लिए लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने महिला को जिला अस्पताल रेफर किया था। सोमवार को महिला की करीब 12 बजे मौत हो गई, जबकि रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने वार्ड क्रमांक 17 एवं महिला के निवास स्थान को सैनिटाइजर कर दवाई का छिड़काव किया गया। साथ ही SDM मिलिंद ढोके ने बताया कि महिला के निवास स्थान के आसपास का एरिया प्रशासन ने सील कर दिया है। वार्ड नंबर 17 में शबनम पिता नासिर करके हैं, 45 साल की उम्र है, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 23 तारीख को इनकी तबीयत खराब हुई थी, इन्हें बड़वा हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ से फिर वापस घर लाए, फिर 24 को वापस ले गए, तबीयत खराब हुई, 25 को खरगोन जब रेफर किया वहाँ इनकी डेथ हुई। इनको ब्लड प्रेशर का ज़्यादा था, इनका डायबिटीज। सर रिपोर्ट 24 घंटे में आई है, ये कुछ थोड़ा सा रेंडमली रिपोर्ट आ सकती है, रिपोर्ट आने में 2 ही घंटे का समय लगता है। सर एरिया सील किया है? हाँ, एरिया पूरा सील कर दिया, पूरा सैनिटाइज कर दिया। सर और सैंपल लेंगे सर इसमें? हाँ, जो भी उसके कॉन्टेक्ट में आए हैं उन सबके सैंपल लिए जाएंगे। सर चूँकि बड़वा में पहला पॉजिटिव आया है, तो शहर की व्यवस्थाओं पे क्या इसका असर रहेगा? ये वाला जो मेन गली है यही वाली बंद रहेगी, कंटेनमेंट एरिया जिसे घोषित करेंगे, बाकी एरिया तो खुला रहेगा। जी सर। बहरहाल एहतियात के तौर पर कोरोना प्रभावित क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि बाकी शहर पहले की तरह खुला रहेगा। खबर मध्य प्रदेश के लिए बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।